माफी चाहूंगी, इसकी धड़कने नहीं चल रही। माफ कीजिएगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, महंगा आईवीएफ ही एकमात्र इलाज है। आज भारत में 2 करोड़ महिलाएं ऐसे शब्द सुनती हैं। भारत में 6 में से 1 महिला छोटी उम्र में ही गर्भपात की पीड़ा से गुजरती है। 75% बेसहारा और अकेला महसूस करती है। वो आईवीएफ क्यों ट्राई नहीं करती? कम से कम वो गर्भवती तो हो सकती है। उसे अब सदमे से बाहर आ जाना चाहिए। अब आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। गर्भपात या गर्भ धारण करने में मुश्किलें आम हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस महिला और उसके साथी पर इसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो या जो गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है। वो सामाजिक दबाव का सामना करने के साथ साथ बच्चे की कमी भी महसूस कर रहे हैं। हमें अपनी समझ का दायरा बढ़ाना होगा। नारी जीवन ज्योति के साथ हमारा उद्देश्य स्वाभाविक रूप से बांझपन, बार बार होने वाले गर्भपात और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को ठीक करना है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो करुणामय होगा। महिलाओं को केवल अपनी आयुर्वेदिक जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में गर्भ धारण करने और गर्भपात को रोकने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, जैसे नारी जीवन ज्योति, लोधरा, शतावरी, हरड़, अशोका, वाजता और उदम्बर सहित 6 ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। ये आईवीएफ के इलाज के जैसे बिल्कुल भी महंगी नहीं है। महिलाओं को अनचाही शारीरिक प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ता। निशुल्क परामर्श के लिए हमें कॉल करें और अपनी और अपने परिवार की खुशी की ओर एक कदम बढ़ाएं। यह जरूरी है कि इनफर्टिलिटी से जुड़े तथ्यों को जान लें। लगभग 10-15% विवाहित भारतीय दंपति बांझपन के मुद्दों का सामना करते हैं। इनमें से 50% मामले महिला बांझपन के कारण होते हैं। फास्ट फूड, आसन जीवन शैली और गतिशील जीवन शैली के कारण अधिक तनाव, घर से काम करने और घर पर काम करने का दोहरा बोझ, PCOS, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और संबंधित अनियमित मासिक चक्र आदि महिला बांझपन का प्रमुख कारण है। अन्य कारण है बढ़ती हुई वैवाहिक आयु। एक बार जब आप 36 साल के हो जाते हैं तो गर्भ धारण करने की संभावना आधी हो जाती है। जब आप 41 तक पहुंच जाते हैं तो हर महीने गर्भ धारण करने की संभावना 4% होती है। मोटापे का बढ़ता स्तर। सभी बांझपन के मामलों में से 12% महिला का वजन या तो बहुत अधिक या बहुत कम होता है, जिसके कारण हार्मोनल स्तर असंतुलन होता है, जो कि PCOD का कारण बनता है। यह हाइपोथायराइड द्वारा उत्तेजित होता है। जीवन शैली में बदलाव। गर्भवती महिला जो धूम्रपान करते हैं उनके लिए गर्भपात का खतरा अधिक होता है। अत्यधिक शराब का सेवन और भारी धूम्रपान अन्य कारण हैं। इन सभी कारणों से शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसीलिए फर्टिलिटी में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की आवश्यकता होती है। क्या इन वैवाहिक जोड़ों को सिर्फ इसलिए बच्चा पैदा करने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे IVF ट्रीटमेंट, महंगे इलाज नहीं करवा सकते? नहीं। सॉल्यूशन है शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक मिश्रण, नारी जीवन ज्योति। यह प्राकृतिक जड़ी बूटियों के सटीक मिश्रण द्वारा घटित एक विशेष उत्पाद है। नारी जीवन ज्योति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह हार्मोनल गड़बड़ी को संतुलित करके बांझपन की संभावनाओं को उलट देती है और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। सदियों पुराने आयुर्वेद पाठ चरक संहिता में भी यह लिखा गया है।
अच्छी गुणवत्ता के गर्भधारण के लिए हमें चार पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, समय, पर्यावरण, पोषण और बीज। अच्छे भोजन के बिना आपके हार्मोन्स संतुलित अवस्था में नहीं हो सकते। तीसरे पहलू यानी अंबु के लिए कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ और जड़ी बूटियों का सुझाव दिया जाता है, जैसे दूध, किशमिश, घी, मक्खन और खजूर। ये शुक्र धातु को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। छह प्रभावशाली जड़ी बूटियों का उपयोग नारी जीवन ज्योति में भी किया गया है। शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक मिश्रण नारी जीवन ज्योति शारीरिक कार्यों में संतुलन लाता है। नारी जीवन ज्योति के छह श्रेष्ठ लाभ: बांझपन को रोकता है, हार्मोन संतुलित करता है, मासिक धर्म को नियमित करता है, गर्भपात को रोकता है, बांझपन से संबंधित तनाव को कम करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और साथ ही ये 100% हर्बल है। नारी जीवन ज्योति की छह शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ: अशोका, शतावरी, लोद्रा, हरड, वाजिता, जीवंती। यदि एक सर्वे की माने तो एक भारतीय महिला भारतीय पुरुषों की तुलना में प्रत्येक दिन अनपेड कार्य पर 238 मिनट यानी 4 घंटे से अधिक खर्च करती है। इसका परिणाम महिलाओं का बांझपन, जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। चाहे आप आज परिवार बढ़ाना चाहते हो या जल्द ही फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहे हो, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले निसंतान दंपतियों के लिए प्राचीन भारतीय प्राकृतिक आशीर्वाद का एक मिश्रण है नारी जीवन ज्योति। इसे अभी ऑर्डर करें। नारी जीवन ज्योति, अब घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी।